मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम डैशबोर्ड दर्पण 2.0 की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ने के साथ ही विभागों की संचालित परियोजनाओं की जानकारी भी अपलोड की जाए। इसके लिए सीएम ने अगले 15 दिनों के भीतर सभी विभागों को परियोजनाओं का अपडेट सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि हर महीने की 7 तारीख तक विभागों को पिछले महीने का डाटा अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। खुद सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ ही सीएम डैशबोर्ड की भी हर महीने समीक्षा की जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेता आमतौर पर दुनिया में होने वाली घटनाओं का विरोध करते हैं, मार्च निकालते हैं, शोक करते हैं, समर्थन करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो कोई भी विपक्षी नेता विरोध नहीं कर रहा है, न ही बयान दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 90% बांग्लादेश में प्रताड़ित समुदाय दलित है। इतना बड़ा हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ तमाम प्रकार का अमानवीय व्यवहार वहां पर हो रहा है, सड़कों पर वो आ रहे हैं, उनके घरों को छोड़ना पड़ रहा है, एक त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष के एक नेता ने भी अभी तक न कोई बयान जारी किया, न ही कोई जो कैंडल मार्च निकालने वाली टोली है वो टोली भी गायब है। ऐसे समय में चूंकि हर समय जाति पाति में बांटने वाले जो नेता हैं वह भी सामने नहीं आ रहे हैं, और जबकि वहां पर एक समुदाय के लोग जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसमें 90% लोग केवल दलित समुदाय के लोग। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में उत्तराखंड के सभी विधायकों की बैठक की गई। कुमारी शैलजा ने कहा कि आने वाले समय में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के साथ नगर निकाय और पंचायत चुनाव की चुनौतियां भी हैं। उन्होंने विधायक दल की बैठक में आपसी मतभेद भुलाकर आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटने का आग्रह किया। करण महारा ने उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 280 किलोमीटर की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालकर बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का काम किया है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भवन कापड़ी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। उत्तराखंड का एक और लाल मणिपुर में शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि मणिपुर में उग्रवादियों ने सोमवार को अचानक से हमला कर दिया। इस हमले में चंपावत का लाल गुणानंद चौबे शहीद हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक गुणानंद चौबे असम राइफल में वारंट ऑफिसर के पद पर तैनात थे, वहीं इन दिनों उनकी ड्यूटी मणिपुर में थी। चौबे मूल रूप से चंपावत जिले की सुई गाँव के रहने वाले हैं, हालांकि वर्तमान में उनका परिवार दिल्ली में रहता है। शहीद गुणानंद चौबे के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटी और एक बेटा है। चौबे के शहीद होने की खबर जैसे ही परिजनों को मिली तो उनके घर में मातम पसर गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशव्यापी अभियान हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस तिरंगा यात्रा को बीजेपी ने मसूरी विधानसभा में आयोजित किया। ये यात्रा देहरादून के किशनपुर डायवर्जन से प्रारंभ होकर दिलाराम चौक होते हुए हाथी बड़कला में संपन्न हुई। इस तिरंगा यात्रा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही गणेश जोशी और महेंद्र भट्ट स्कूटी चलाते नजर आए। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में युवा, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही भारत माता की जय के नारों के साथ सभी देशभक्ति में झूमते नजर आए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं और सभी प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील भी की। डीडी हाट यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम दानू ने कहा कि धारचूला विधानसभा तहसील बंगापानी आपदा प्रभावित दृष्टि से एक अति संवेदनशील क्षेत्र है और यहां स्थायी तहसीलदार ना होने से क्षेत्र के लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर तहसील मुख्यालय बंगापानी पहुंच रहे हैं, मगर यहां तहसीलदार के ना होने से लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। दानू ने कहा कि पूर्व में यहां चंद्र प्रकाश आर्य को प्रभारी तहसीलदार का प्रभार दिया गया था, जिससे क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण तत्काल हो रहा था, लेकिन अब उन्हें प्रभारी तहसीलदार के पद से हटाने से क्षेत्र की समस्याओं को निराकरण नहीं हो पा रहा है। सोमवार को विक्रम दानू ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन भेजा और तहसील बंगापानी में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति किए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरिद्वार स्थित संस्कृति प्रेक्षागृह में प्रसिद्ध उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिन पर गीत यात्रा के 50 साल कार्यक्रम में उनकी रचनाओं पर ललित मोहन रयाल द्वारा लिखित पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने नरेंद्र सिंह नेगी को उत्तराखंड लोक सम्मान से सम्मानित कर 2,51,000 का चेक और प्रशस्ति पत्र भेंट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने पुस्तक के लेखक ललित मोहन रयाल के प्रयासों की
सराहना करते हुए पुस्तक को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने वाला कार्य बताया। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।